शाहजहांपुर के निगोही क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य पति प्रत्याशी राजीव वर्मा ने कमलेश वर्मा को फोन कर शाहजहांपुर के निगोही क्षेत्र से भाजपा विधायक रोशन लाल वर्मा व उनके बेटों के लिए किया अभद्र भाषा का प्रयोग व निर्दलीय प्रत्याशी पवन वर्मा को हमजापुर चौराहे पर न रहने की दी धमकी। सोशल मीडिया पर उठ जो हुआ वायरल। हेलो भैया, राम राम। राम 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 राम। कर रही हो बाहर हो? है ना, है कर रहे। अच्छा, हम जा कह रहे जो पावन ना है जो वहाँ पे, तो उससे जा कह दो तो। लेकिन उल्टी सीधी बात है मत करना साले, चौराहे पर हमने आई जितना बड़ा नेता बन सारे का साले समझा दियो का किसी भी बात है खबर पर चुपो तो यार, जो जिसकी दम पर फूल तो ऐसे समझा दियो कि उल्टी सीधी बात ना कहा कही देता है पर सोना हम जाए दारू बाट चलो पर कुछ भी करे दारू कहियो जो सालों कह रो तो हम उन्हें चुनाव हरा दी अगर नरेंद्र तसली पाई चुनाव हरा दे ना जाओ इससे अपने क्या औकात हम राज साले जब हम रोज सल्लाह में लड़कर मास्टर बुलाकर घुस गया तब जा जब तुम हमारे विरोधी नहीं बैठा भैया हम तुम्हें भैया मान तुम विरोधी नहीं बैठा तो इसको मतलब भैया तुम भी हमारो ऐसे। अरे बात बना है बात नहीं मतलब जो अपनी सगी मौती ये नेता बन लो चार साल बैठान वाली बात रही है। अरे यार कह दी भैया आप बात करते हैं आप हमारे पारिवारिक संबंध मोलना बस्ती काफ के तरम दनाजी आप हमारे विरोधी नहीं बैठा का अब हमें क्या मालूम कौन किसका विरोधी है यार कैसी बातें करता भैया। राजीव फोन आओ चुनाव पहले कभी चुनाव पहले ना 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 जैसा हाँ जैसा बात ठीक है सब रोशन लाल ने चढ़ाए हम दाम जितने दम हो सालो रोशन लाल खुद उतरिया सेमीफाइनल कर ले पाई चुनाव पहले। अरे ना ऐसी बात है ना ठीक बात। अरे बात कैसी ना आप ऐसी बात करते हो तकलीफ ना भी हम आपके विरोधी नहीं बैठा रहे हैं आपको तकलीफ ना भी सुना लो सर। अब हमें क्या मालूम है यार कि विरोधी एक दूसरे का। लेकिन इससे क्या कह दिया होगा मतलब उल्टी सीधी बात है मत करा ना जिस दिन आएगा होने होने जिस दिन है हम बहुत उल्टी खोपड़ी के आदमी है जो मनोज हमने बिलाक मारो सत्ता पक्ष विधायक हुई तो मेरा बारना टूट गया ये तो कोई चीज नहीं है। अरे हम मान रहे हैं लेकिन सीएमओ फोन करने हमें हम बहुत उजड्डी आदमी है फिर हम उल्टी आदमी खोपड़ी है अब सुना हमें जितनी समझ हम रोक लिया मतलब इसे क्या समझा दियो भैया बात बहुत सम्मान हम बात करते हैं हाँ हाँ ना जा गलत है जैसे जा गलत है।